हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है निशा और आज का जो मेरा वीडियो है वो पूरा का पूरा वीडियो सिर्फ और सिर्फ एक पर्सन के लिए डेडिकेटेड है जिसका नाम है मानसी। दोस्तों, उनका एक यूट्यूब चैनल है, अगर आपको नहीं पता हो तो मैं आपको बता दूं, उनका एक यूट्यूब चैनल है जिसमें वो बच्चों से रिलेटेड इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाती हैं। बहुत ज़्यादा फेमस भी है वो, बहुत जो मदर्स लोग हैं वो ज़्यादातर मदर्स जानती ही होंगी उनके बारे में। बहुत ही ज़्यादा मुझे उन्होंने हेल्प किया था थ्रू माई जर्नी। उनके जो वीडियोस है उसको देख के मैंने बहुत कुछ सीखा है और कह सकते हैं कि उनसे ही इनकरेज होके, उनका देख के कि वो कैसे वीडियोस बनाते हैं, वो कितना इन्फॉर्मेशन देते हैं, वो सब देख के ही इनकरेज होके ही मैंने भी एक यूट्यूब चैनल ये स्टार्ट किया था। एंड उन्होंने मेरी जो लाइफ है उसमें इतना ज़्यादा चेंजेस लाया है, मैं आपको बता नहीं सकती। एक्चुअली मैं उनको थैंक यू बोलना चाहती थी, तो कमेंट सेक्शन में एक छोटा सा थैंक यू लिखना मुझे ठीक नहीं लगा। कोई भी एक कमेंट इस चीज़ को डिफाइन नहीं कर सकता कि उन्होंने मेरी कितनी ज़्यादा हेल्प की है, उन्होंने मेरा लाइफ में कितना चेंजेस लाया। तो मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो बना दिया जाए पूरा का पूरा उन्हीं के ऊपर डेडिकेटेड, जो कि कह सकते हैं मुझे सेटिस्फेक्शन मिलेगा कि हाँ मैंने कुछ किया, जिन्होंने मेरे लिए इतना कुछ किया था उनके लिए। सो मैं कह सकती हूँ मेरी एज 23 है। बहुत ही कम एज में मैं मॉम बन गई थी और मुझे इतना खास कोई एक्सपीरियंस नहीं था, घर में कोई बेबी नहीं था, मैं घर की सबसे छोटी बच्ची थी और उसके बाद मेरे बाद कोई बेबी हुआ नहीं, घर में कोई बेबी नहीं था, हम सिर्फ चार लोग रहते थे, मैं, मेरी बहन, मेरे पापा, मेरी मम्मी, ठीक है। तो कुछ ज़्यादा कह सकते हैं मुझे मिला नहीं देखने को, बेबीज को कैसे पालते हैं मुझे इतना कुछ आइडिया नहीं था। इन लॉस की भी फिर बाद में इतना ज़्यादा मुझे कुछ कह सकते हैं हेल्प नहीं मिली, तो मैं बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस हो गई थी कि क्या करूँ मैं, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं कैसे अपने बच्चे को पालूँ। एक्चुअली एज भी थोड़ी सी कम थी तो और ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा था। एंड उसके ऊपर दो दो बेबीज मतलब अपने पास हों, तो मेरा एकदम से दिमाग में आया, ऊपर से उस टाइम पे मैं प्रेग्नेंट थी। तो जब मुझे याद है जब मैं प्रेग्नेंट थी, सिक्स मंथ प्रेग्नेंट जब मैं थी, तब मैं फर्स्ट टाइम मैंने एक यूट्यूब चैनल मतलब खोला कि शायद इस प्रॉब्लम के बारे में भी हो उसमें, इस सोच के। तो बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं, बहुत सारे लोगों ने अपने अपने एडवाइस दे रखी हैं, तो मुझे जो एडवाइस पसंद आई वो मानसी मैम की थी। और उनका जो समझाने का तरीका है हमको, उनका जो बताने का तरीका है बहुत ही अमेजिंग है, वो इतना अच्छे से समझाती हैं, डीपली समझाती हैं, और वो जो जो चीज़ें बताती हैं लिटरली वो हेल्प करती ही है। मैंने ये खुद नोटिस किया है कि वो हेल्प करती ही हैं। तो अब मुझे वो चैनल देखते हुए कुछ एक साल से ऊपर हो चुका है, राइट, एक साल चार महीने समथिंग हो गए। आज भी मैं अपना वीडियो बनाती हूँ तो भी मैं उनके चैनल को देखती हूँ, उनके सारे वीडियोस मैं फॉलो करती हूँ। उनके वेट लूज वीडियो अभी मैं फॉलो करी, जैसा कि आप देख सकते हैं मैं बहुत ज़्यादा मोटी हो चुकी हूँ, सो मैं भी वो फॉलो करी। उनका एक वेट लूज वीडियो का पूरा सीरीज आया है विप्लव सर के साथ में, तो वो बहुत ही ज़्यादा मुझे पसंद आया, मैं वो पूरा का पूरा फॉलो करने की कोशिश कर रही हूँ। एंड कह सकते हैं मानसी मैम ने मुझे इतना ज़्यादा हेल्प इसलिए किया क्योंकि मुझे जो उनकी जो बताई हुई चीज़ है ना, बिल्कुल मुझे रिलेट करती थी। जैसे उन्होंने जो पोस्टमार्टम डिप्रेशन के बारे में बताया, आई वॉज ऑल्सो गोइंग थ्रू द सेम, मुझे भी यही प्रॉब्लम हुआ था पोस्टमार्टम डिप्रेशन का। और कह सकते हैं मुझे रोना आता था, मुझे मेरे बच्चे को संभालने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी। तो एक अच्छा जर्नी में कुछ प्रॉब्लम आ जाए, ऊपर से हमें पता नहीं है हम अपने बेबी को कैसे अच्छे से सही से रख सकते हैं, कैसे उसको पालना है, क्यों ज़्यादा रोता है,
सारे क्वेश्चंस के आंसर मुझे मॉमकॉम से मिल जाते थे। मुझे इतना ज्यादा अच्छा लगता था, मैं मतलब मेरे दिमाग में अगर कोई चीज आई, कोई प्रॉब्लम आई है, तो मैं सबसे पहले जाके यूट्यूब चैनल खोल के और मॉमकॉम पे जाके देख चेक करती थी कि उसपे उन्होंने वीडियो बनाया है या नहीं बनाया। और मोस्टली मुझे उन सारे वीडियोज, वो सारे वीडियोज मिल ही जाते थे। और अब जो मैंने चैनल स्टार्ट किया है, उसमें आई गेस मैंने सिर्फ दो वीडियो बनाए हैं जो सेम टू सेम उनके जैसे हैं, जो कि मैंने गलती की थी, आई एम सो सॉरी मैम। बट मैं ट्राई करती हूँ उसके बाद से कि जो वीडियोस उन्होंने ना बनाए हों उस पर मैं वीडियोस बनाऊं, ताकि थोड़ी और ज्यादा नॉलेज स्प्रेड हो, थोड़ा और ज्यादा सबको जानने को मिले। मैं भी कुछ रिसर्च करना स्टार्ट किया है मैंने, ताकि और कुछ मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, उन दोनों के हिसाब से मैं बताने की कोशिश करती हूँ आप सब लोगों को कि कैसे हम अपने पेरेंटिंग को इजियर बना सकते हैं। वो और ऊपर से कह सकते हैं मानसी मैम जो है, उनका जो बोलने का तरीका है, उनका जो द वे शी टॉक, द मतलब जो सॉल्यूशंस वो बताती हैं, बिल्कुल जेन्युइन होते हैं, एक्चुअली अमेजिंग होते हैं, मुझे बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। मेरी आज तक की हेल्प उन्हीं के जो भी बताए हुए जो गाइडलाइंस है उसी से होती है। मैं डिट्टो फॉलो करने की कोशिश करती हूँ उनकी सारी बताई हुई बातों को। सो दैट्स इनफ गाइज, यही था मेरा वीडियो। मैंने आज पता नहीं कि मेरा बहुत दिन से मन था कि मैं एक वीडियो बनाऊं, पूरा वीडियो जो डेडिकेटेड हो मानसी मैम को। एंड आई जस्ट वॉन्ट टू से आई लव यू मानसी दी, आई जस्ट लव यू, आई लव सौरव ऑल्सो, एंड थैंक यू सो मच फॉर बींग सच अ नाइस गाय। थैंक यू।